अध्यक्ष महोदय मीर जाफर की औलाद हैं, बांग्लादेशी औलाद हैं, औरंगजेब की औलाद हैं, मार्क्स लेनिन की औलाद हैं, जिन्ना की औलाद हैं, जिन्ना की औलाद हैं, जिन्ना की औलाद हैं, ऐसे लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर आवाज उठाते हैं, ऐसे दृष्ट पुरोही लोग, ऐसे दृष्ट पुरोही लोग, ऐसे दृष्ट पुरोही लोग, ऐसे जो है जिन्ना की औलाद, जिन्ना की औलाद, जिन्ना की औलाद, ऐसा बांग्लादेशी कहा गया हूँ, कहा गया हूँ महबूब आलम, कहा गया हूँ, कहा गया हूँ महबूब आलम, महबूब आलम कहा गया। अध्यक्ष महोदय, कल माननीय सदस्य महबूब आलम जी ने जो अपने वक्तव्य में बोला और आपने भी उनको रोका नहीं, जो लोग खुद अध्यक्ष महोदय मीर जाफर की औलाद हैं, बांग्लादेशी औलाद हैं, औरंगजेब की औलाद हैं, मार्क्स लेनिन की औलाद हैं, जिन्ना की औलाद हैं, ऐसे लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर आवाज उठाते हैं, ऐसे दृष्ट पुरोही लोग, ऐसे जो है जिन्ना की औलाद, ऐसा बांग्लादेशी कहा गया हूँ, कहा गया हूँ महबूब आलम, महबूब आलम कहा गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, महबूब आलम कहा गया, कहा गया बांग्लादेशी की औलाद, औलाद बांग्लादेशी की औलाद कहा गया, बांग्लादेशी की औलाद महबूब आलम कहा गया। अध्यक्ष महोदय, उस पर कार्रवाई हो, और कल भी अध्यक्ष महोदय सर्द में निकला, कहा है वो बांग्लादेशी की औलाद महबूब आलम। अध्यक्ष महोदय सुनिए, आप ही नहीं टोके, ऐसे बांग्लादेशी की औलाद को, ऐसा की औलाद को, ऐसा सुनिए चाइना की औलाद को, ऐसे लोगों को आप ही नहीं रोके। अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है, चाइना का औलाद है, ऐसे अध्यक्ष महोदय ऐसे देश पुरोहियों को आपने भी नहीं रोका, जिस तरह उन्होंने कल बोला। अध्यक्ष महोदय, ये देश पुरोही चाइना लेनिन की औलाद, ये लोग जो अध्यक्ष महोदय, ये लोगों ने निंदा प्रस्ताव होना चाहिए। माननीय सदा सलाहोगी जी, मेरे बात को तो सुनिए, आसन आपने सूचना दिया, जो भी आसन सदीय शब्द है उसको मैं दिखलवा करके कार्यवाही से, अगर वो संसदीय नहीं है तो उसको निकलवा दिया जाएगा, और संसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दिया जाएगा जांच करा करके। अब तो जाइए, अब तो जाइए, अब क्या कहें, आप बोलिए अब क्या कहें। मैंने कहा कि आज संसदीय होगा, कार्यवाही से निकलवा दिया जाएगा, वही तो मैंने कहा। अब आप अपना जगह लीजिए, माननीय नेता विरोधी दल, आपका समय खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, उन लोगों को कहिए कि बैठे, आप अपना बात भाषण जारी रखें।